हेलो एवरीवन, आज कुछ हम एमसीक्यू करेंगे, डिस्कस करेंगे बहुउद्देशीय परियोजना यानी कि भारत का भूगोल। वहां से आपके एग्ज़ाम में प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रयोगशाला परिचालक भर्ती एंड चौकीदार भृत्य स्वीपर के लिए भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे। ज़्यादा कुछ नहीं है, एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं यहाँ से। पहला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा ट्रिप सिंचाई यानी कि ट्रिप्स पद्धति के प्रयोग के लाभ में है। तो जो ट्रिप सिंचाई होता है आपका मृदा के अपरदन की कमी के कारण। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये मैंने आंसर डायरेक्ट टिक लगा दिया है, आप इसको अच्छे से दिमाग में रख लीजिएगा। ठीक है, भारत की सिंचाई क्षमता का सर्वाधिक भाग किस माध्यम से पूरा होता है? तो इसका आंसर सी होगा, लघु परियोजनाओं से। इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा। ये जो वाला टिक लगा दिया हूँ इसको आप ऐसे इसलिए लगाया हूँ क्योंकि आपको याद हो सके, वीडियो में याद करते चलिएगा, अपने माइंड में क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िएगा, है ना। और वीडियो को लास्ट तक देखना, और वीडियो आपको अच्छा लगता है तब सब्सक्राइब करना, पहले से सब्सक्राइब मत कर लेना। ठीक है, इस वीडियो में आप लोग फीडबैक जरूर दीजिएगा यानी कि मेरा जो कंटेंट है आपको पसंद आता है कि नहीं आता है, डिस्क्रिप्शन के नीचे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और भी वैकेंसी की तैयारी करेंगे या हॉस्टल वार्डन, सहकारिता विभाग, उच्च शिक्षा विभाग में बहुत सारी वैकेंसियाँ हैं। अगर आप व्यापम जैसे परीक्षाओं की तैयारी करना चाहते हैं या फिर कर रहे हैं तो वीडियो पर कंटिन्यू कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुउद्देशीय यानी कि अंतर्राज्यीय सिंचाई परियोजना पोलावरम परियोजना कौन सी नदी पर स्थित है? याद रखना एक बार अच्छे से, पोलावरम जो परियोजना है गोदावरी नदी। ठीक है, ये सभी आपकी जितने भी योजनाएं हैं यहाँ से एग्जाम में प्रश्न पूछे जा सकते हैं, एक बार रिवीजन करके जाइएगा। ठीक है, भारत के किस भाग में सिंचाई के साधन के रूप में तालाब का सर्वाधिक प्रयोग होता है? ऐसा कौन सा भारत देश में जो सिंचाई के साधन के लिए, ऐसा कौन सा राज्य है ना भारत देश जो सिंचाई साधन के लिए तालाब का सबसे ज़्यादा उपयोग किया जाता है? तो दक्षिण भारत। ठीक है, तालाब के लिए। त्रिवेणी नहर निम्नलिखित में से कौन सी नदी से निकाली गई है? जो त्रिवेणी नदी है, त्रिवेणी नहर है ना, गंडक नदी से निकाली गई है। निम्न में से कौन सी झील प्लेट विवर्तनिकी यानी कि प्लेट टेक्नो गतिविधि का परिणाम है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका वुलर झील। कौन सा है? वुलर झील। और मीठे पानी की झील यानी कि कल्पर परियोजना अवस्थित है गुजरात में। नेक्स्ट, निम्न में से किस राज्य का सर्वाधिक कृषि क्षेत्र तालाबों के द्वारा सिंचाई किया जाता है? तो तमिलनाडु। अति विवादित बबली प्रोजेक्ट ऐसा कौन सा राज्य में है? तो महाराष्ट्र। नेक्स्ट है, नागार्जुन सागर स्थित है कृष्णा नदी पर। ठीक है, यदि आप राष्ट्रीय जलमार्ग से नाव द्वारा प्रयागराज से हल्दिया तक की यात्रा करते हैं तो आपको कितने राज्यों से होकर गुजरना पड़ेगा? चार राज्य। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित नदी परियोजनाओं में से कौन सी ऐसी है जो व्यास नदी है जो निर्मित पोंग बांध के जल का उपयोग करती है? तो ये है इंदिरा गांधी नहर परियोजना। ठीक है, तो ये हो जो हमने कुछ एमसीक्यू किए हैं, आगे और भी वैकेंसी देखेंगे, वैकेंसी का क्वेश्चन देखेंगे, है ना, तो आप सभी के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हो सकता है। वीडियो अगर पसंद आया है तो वीडियो को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। ये कुछ ऐसे कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए थे, डेली क्लास लेकर आएंगे, बिल्कुल रिकॉर्डेड क्लास रहेगा।